सिख गुरुओं का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो उनकी पावन भक्ति है, शक्ति है, जो साधना है, वह देश के लिए और धर्म के लिए अनुकरणीय बना रहा है। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ, लेकिन पूरा भारत उनसे अनुप्रेरित था, और भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत, उससे बाहर भी उनका प्रकाश किस रूप में फैला यह हर व्यक्ति जानता है। और आज हमारा सौभाग्य है कि करतार साहिब कॉरिडोर के निर्माण के उपरांत हम सब के सामने एक नई प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत की है। ननकाना साहब में जन्म लेने के बाद उन्होंने बचपन से ही, क्योंकि एक दिव्य गुणों से उत्प्रोत थे, सामान्य गृहस्थी की बजाय उन्होंने साधना में, लोक कल्याण में, साधु सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, और उनकी साधना की परिणति थी कि एक और भक्ति के संचार का कार्यक्रम उन्होंने जो प्रारंभ किया वह सिख गुरुओं की और इस सिख पंथ की स्थापना का माध्यम भी बनता गया। एक पक्ष साधना का है, भक्ति के माध्यम से साधना का पक्ष, और दूसरा पक्ष जो लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करना। आप याद करिए, भक्ति के माध्यम से भी व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रीय चेतना को जागरूक कर सकते हैं, पूरी निर्भकता के साथ उस कालखंड में बाबर के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकते हैं, या गुरु नानक देव जी ने उस कालखंड में करके दिखाया।